मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से नगर पालिका कार्यालय में बहनों से किया था संवाद। श्रावण के मौके पर बहनों को घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का किया था वादा, लेकिन जब महिलाएं गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर लेने पहुंची तो उन्हें गैस सिलेंडर 1185 रुपए में दिया जा रहा है, जिस पर महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हम सभी बहनों के साथ झूठा वादा किया है और आने वाले चुनाव में उन्हें झूठे वादा करने का परिणाम भी मिलेगा। वहीं 1000 प्रतिमा बहनों के खाते में आने की बात को महिलाओं ने बताया कि जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह का प्रलोभन हम महिलाओं को दिया गया है। मुख्यमंत्री जी इतने सालों से प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन ये योजना बहुत पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हम सभी महिलाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है। इस मामले में गैस एजेंसी के मैनेजर ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन और गैस कंपनी द्वारा अभी तक कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है कि 450 में महिलाओं को सिलेंडर दिए जाएं। क्या नाम है आपका? सीमा कोहली। सीमा जी, आज सारी महिलाएं यहाँ गैस एजेंसी के पास खड़ी हैं पिछोर में, क्या मामला है? सर, कल ऑनलाइन मीटिंग करी गई थी नगर पालिका में, हम सभी बहनें नगर पालिका गए थे, बोला था कि मीटिंग में आना जरूरी है क्योंकि भाई ने ऑनलाइन मीटिंग रखी है बहनों के लिए। किस भाई ने? शिवराज सिंह चौहान ने। तो उनने बोला था सभी बहनों के लिए ऑनलाइन मीटिंग रखी गई है, ऑनलाइन राखी बांधने का त्यौहार मनाया गया था कल, और बोला था कि राखी बनाई में भाई ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। किसने? शिवराज सिंह CM। फिर हम लोग आज आए हैं एजेंसी, गैस एजेंसी पे आए, गैस एजेंसी पे बोला गया था पिछोर में कि आपके पास 1185 रुपए हो तो भी सिलेंडर भराने आओ, वरना तो घर जाओ, 450 में सिलेंडर नहीं भरे जाते हैं कि ऐसे तो वादे बहुत हो चुके हैं। अच्छा, तो इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने आपके साथ थोड़ा ये जो वादा किया जो नहीं निभाया, अब आप क्या करेंगे आगे आने वाले चुनाव में? आगे आने वाले चुनाव में हम बहनों की तरफ से उनके लिए मुश्किल रहेगा क्योंकि ऐसा चुनाव नहीं होगा बहनों के लिए। पहले तो बोलते हैं कि बहनों के लिए हम अच्छा करेंगे और झूठे वादे करते हैं बहनों के लिए, तो बहनें उनका साथ कभी नहीं देंगे। अच्छा, अभी 1000 रुपए बहनों के खाते में आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहना है सर, 3 महीने से उनने 1000 रुपए डालना चालू कर दिया है क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुका है, इसलिए वरना इतने दिनों से तो उन्होंने कभी नहीं सोचा बहनों की भलाई में। तो प्रलोभन दिया जा रहा है 1000 रुपए। जी, क्या नाम है आपका? मैं लोकेश कुमार लोधी। अच्छा, ये गैस एजेंसी पे आप मैनेजर हूँ जी। सर, ये जो महिलाएं खड़ी हुई हैं उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे वादा किया था 450 रुपए का सिलेंडर का, लेकिन आपके यहाँ से 1185 का सिलेंडर मिल रहा है, क्या कहना है? जी जी, क्या जो कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 450 रुपए की घोषणा की गई है, उस आदेश पर आज भी तक हमें के लिए कोई दिशा निर्देश प्राप्त न होने के कारण अभी हम 450 में सिलेंडर देने में असमर्थ हैं। भविष्य में जो भी दिशा निर्देश होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और जो कंपनी का दिशा निर्देश अनुसार वितरण किए जाएंगे।